तो हे गाइज, वेलकम बैक माय चैनल। और गाइज, यहाँ पे बात करने वाले हैं अपने DVS PG कॉलेज देहरादून के बारे में। आपके लिए जो है अच्छी न्यूज़ है गाइज, DVS PG कॉलेज की जो है नेक्स्ट मेरिट आ चुकी है, 3rd मेरिट आ चुकी है। और सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं लाता हूँ आपके लिए लेटेस्ट जो अपडेट, जहाँ पे भी मेरिट निकलती है मैं फटाफट लेके आ जाता हूँ। तो गाइज, यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट जो है DVS PG कॉलेज देहरादून की 3rd मेरिट, 3rd वेटिंग लिस्ट। तो यहाँ पे 3rd वेटिंग लिस्ट का मतलब आप मान के चलिए 4th मेरिट है गाइज अभी DVS PG कॉलेज देहरादून की, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले BA का हम देख लेते हैं मेरिट कट ऑफ कितनी गई है। तो कट ऑफ देख लेते हैं BA का। तो गाइज, BA की जो कट ऑफ गई है यहाँ पे देखिए, ST की गई है 70.80, यानी 70% जो है BA की कट ऑफ गई है, ठीक है। और बात करें गाइज SC की, तो SC की कट ऑफ गई है 61.20 गाइज। SC की जो कट ऑफ गई है 61.20 गई है गाइज। जनरल कैटेगरी अदर स्टेट कैंडिडेट, जनरल कैटेगरी अदर स्टेट कैंडिडेट 72.20, यानी बाहर के जो बच्चे हैं जो अदर स्टेट से हैं उनकी जो कट ऑफ गई है जनरल की 72.20 गई है। बात करें OBC कैंडिडेट की, तो यहाँ पे 69.80 OBC की कट ऑफ गई है। और बात करें अपने जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी ओपन कैंडिडेट, तो गाइज यहाँ पे गई है 71.20 कट ऑफ गई है, 71 यहाँ पे कट ऑफ गई है गाइज। इसके एडमिशन्स होने हैं 29 सितंबर से 30 सितंबर, यानी 2 दिन में इसके एडमिशन्स होने हैं गाइज। और ये है BA की आपकी 3rd वेटिंग, यानी कि 4th मेरिट। सो गाइज, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, यहाँ पे देख लेते हैं PCM ग्रुप का, PCM की भी हम कट ऑफ देख लेते हैं कितनी गई है, जनरल कैटेगरी OBC SC ST। तो गाइज यहाँ पे SC की कट ऑफ गई है 74.67 जो है SC की कट ऑफ गई है 74.67। जनरल कैटेगरी अदर स्टेट कैंडिडेट, जनरल कैटेगरी अदर स्टेट कैंडिडेट 86.33 कट ऑफ गई, यानी 86% जो है यहाँ पे कट ऑफ गई है। और OBC वोमन की जो गई है यहाँ पे गई है 85 OBC वोमन की कट ऑफ गई है। और ओके, OBC ओपन कैंडिडेट की गई है 85.33, ठीक है। और जनरल की कट ऑफ OBC एक्स डिफरेंस है 55 है, OBC है और एक्स डिफरेंस है 55, यहाँ पे कट ऑफ गई है। और जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है 86.33, 86% कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी 29 से 30 सितंबर के बीच में एडमिशन्स होने हैं गाइस PCM ग्रुप के भी। PMG ग्रुप का देख लेते हैं, फिजिक्स मैथ जियोलॉजी का। तो गाइज यहाँ पे कट ऑफ गई है ST की 55.67, यानी 55% जो है ST की कट ऑफ गई है। जनरल कैटेगरी अदर स्टेट कैंडिडेट यहाँ पे कट ऑफ गई है 70 यहाँ पे जो है जनरल कैटेगरी अदर स्टेट कैंडिडेट की कट ऑफ गई है। जनरल कैटेगरी देखें अपने उत्तराखंड की, तो यहाँ पे कट ऑफ गई है 70, ठीक है। तो इसके एडमिशन्स भी होने हैं 29 से 30 सितंबर के बीच में। सो गाइज यहाँ पे उसके बाद हम बात करते हैं PMD ग्रुप की। तो PMD का भी हम ओपन कर लेते हैं, फिजिक्स मैथ डिफेंस है, ठीक है गाइज। यहाँ पे OBC की कट ऑफ गई है 58 OBC की कट ऑफ गई है गाइज यहाँ पे। और बात करें अपने जनरल ओपन कैंडिडेट की, तो यहाँ पे 79 जो है यहाँ पे कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी की, ठीक है। तो ये है आपका PMD ग्रुप का, ठीक है। तो इसके एडमिशन भी 29 से 30 के बीच में होने हैं। CVZ ग्रुप का भी देख लेते हैं। तो CVZ की कट ऑफ गई है यहाँ पे ST की गई है 74.33 ST की गई है, SC की गई है 62.67। तो SC की कट ऑफ गई है CVZ में 62.67। और OBC की कट ऑफ गई है गाइस 75, OBC की कट ऑफ 75। और इसके बाद जो है जनरल की कट ऑफ गई है 76, तो जनरल की कट ऑफ गई है 76 गाइस। आप देख सकते हैं यार इसमें देखिए कुछ, देखिए इस कैटेगरी में देखिए 76 मतलब 5 बच्चों के 76 हैं, ठीक है, 5 बच्चों के 76। तो आप देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स है मेरिट में नाम आने के लिए भी, ठीक है।
एक एक परसेंट का भी फ़र्क नहीं है गाइस, 76 76 76 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना, ये जैसे आप देख सकते हैं गाइस 77 77 77 सबकी सेम है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा कट ऑफ में, ठीक है। तो इसके एडमिशन्स भी आपके 29 से 30 सितंबर के बीच में होने हैं। और बी जेड जी का भी देख लेते हैं, बॉटनी जूलॉजी जियोलॉजी का। तो बात करें यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट की, तो यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट की गई है 68 और जनरल की गई है 70.33 जनरल की कट ऑफ गई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आपका बी जेड जी ग्रुप, ठीक है। तो इसका जो है एडमिशन जो है, देखिए हाँ, इसका जो एडमिशन 30 सितंबर लास्ट डेट है इसकी, तो एडमिशन्स ले लेना है, बता रखा है, वीडियोज आपको मिल जाएगी, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना यूज़र आईडी डाल देना है, यूज़र आईडी डालने के बाद अपना पासवर्ड डाल देना है और उसको लॉगिन कर देना। जैसे ही लॉगिन करेगा इस तरह से खुलेगा, ठीक है गाइस। और यहाँ पे अपना क्या कर देना है आपको, यहाँ पे आपका एडमिशन रिक्वेस्ट आ जाएगा। एडमिशन रिक्वेस्ट आने से पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, एडिट डॉक्यूमेंट सेक्शंस में जाके अपने ये डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर देने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो फिर उसके बाद आपको, ठीक है, एडिट प्रोफाइल पे जाके भी आप वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद होम पे जाना है, यहाँ से एडमिशन रिक्वेस्ट भेज देनी है, ठीक है। एडमिशन रिक्वेस्ट भेज देनी है, जैसे ही एडमिटेड लिखा आ जाएगा, एडमिशन अप्रूवल हो जाएगा, उसके बाद फीस सबमिट करनी होती है। मैंने बता रखा है, वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, ठीक है। मैंने ऑलरेडी जो फर्स्ट सेमेस्टर जो फर्स्ट मेरिट आई थी तभी मैंने इस पर वीडियोज़ बना दी थी, कैसे आपको जो है अपना एडमिशन्स कराना है ऑनलाइन, ठीक है। तो गाइज ये DBS PG कॉलेज देहरादून की जो है फोर्थ मेरिट थी। तो गाइज इसके बाद फिफ्थ मेरिट आएगी, लेकिन आप देख सकते हैं ज़्यादा डिफरेंस आ नहीं रहा है, 1% का भी पॉइंट, यानी 1% का भी डिफरेंस नहीं आ रहा है गाइज मेरिट में। तो आप लगा सकते हैं कंपटीशन, अगर आपके नंबर जो है 10 5 10 जो है परसेंट कम ज़्यादा है या कम है, तो आपका नंबर यहाँ पे, अब तो क्योंकि सीट्स लगभग सारी फुल हो चुकी है गाइज DBS PG कॉलेज देहरादून में, और DAB में इस बार जो है आपको एडमिशन्स आराम से मिल, जो कट ऑफ है वो काफ़ी देखने को मिल रही है, नीचे देखने को मिल जाएगी आपको DAB में। तो DAB में आपका एडमिशन्स हो सकता है, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहिए गाइस, जो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, जैसे ही DAB की कट ऑफ आती है, मेरिट आती है, मैं आपको तुरंत यहाँ पे बता दूँगा।